मॉर्निंग एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं उठा हूँ, कल लेट हो गए थे हम आते आते। उसके बाद हम एक और जगह गए थे, ज्वाला जी यहाँ से है थोड़ा दूर, हम वहाँ गए थे। तो वो रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए सॉरी। फिर कभी जाएंगे दिन में, ठीक है, तब बनाएंगे। अभी मैं उठा हूँ, संडे है आज, तो जिम बंद है, हम जिम जा नहीं सकते, लेकिन डाइट हम वही रखेंगे अपनी प्रॉपर। तो अभी मेरे पास एग्स है और मैं मैगी लेके आया था सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी वो बनाते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस मैं डाइट है कम से कम 8 घंटे। ओहो, देख सकते हैं आप, अंडा टूट चुका है, तो ये हमारा वेस्ट हो गया, हमें और अंडा लाना पड़ेगा। इसका हम ऑमलेट बनाएंगे। जस्ट नाउ आपका स्वागत है हमारे कुकिंग चैनल में। सबसे पहले पानी को गर्म करें, आइए। जब तक अपना पानी गर्म गर्म हो रहा है गाइस, तो तब तक हम मैगी को निकाल देते हैं साइड में। आज हम बिना तड़के वाली बनाएंगे, क्योंकि हम तड़के वाली खा खा के थोड़ा बोर हो गया। तो पानी अपना बॉईल हो गया, मैगी हमने इसमें डाल दी, और ये देखो अंडे कैसे तड़फ रहे हैं। तो आज हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, रिवील नहीं कर सकते गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे पूछ के कि हम उनको कैमरे में लें या ना लें। धन्यवाद। बेडशीट पता नहीं मैं कितनी बार इसको ठीक करता हूँ दिन में, लेकिन पता नहीं कैसे ये खुद ही ऐसे हो जाती है। प्याज डल चुके हैं इसमें, अब क्या कर सकते, क्या करें इसमें, अंडा डालना है इसमें, या फिर अंडा डालना पड़ेगा या प्याज निकालना पड़ेगा। तो हमने प्याज निकाल के थोड़ा सा इसमें डाल दिया। तो मुझे टास्क मिल चुका है इनको छीलने का। गाइस कैमरे का थोड़ा वाइड एंगल नहीं है, तो हमें इस तरह से ही छीलने पड़ेंगे। हम आपको सिखाएंगे आज अंडे कैसे छीलते हैं। तो ये अपने अंडे रेडी हो चुके हैं, अपना सैलेड भी रेडी हो चुका है, और ये अपना ऑमलेट भी आ गया, बस एक अपना मैगी बन रही है लास्ट। अच्छा है, टेस्टी है, क्रंची है। अभी हम सोच रहे थे थोड़ा मार्केट निकलें और देखें, आज संडे है, कुछ नई वैरायटीज। हाँ, तो आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, कुछ इस तरह का है, एकदम मस्त प्यारी धूप। ओहो, तो सो गाइज वी आर रेडी, तो अभी हम निकलेंगे विद इन 2 मिनट्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट बंद हो सकती है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट बंद है। कल हम लेफ्ट साइड गए थे, आज हम राइट साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट इस साइड है जी। तो ये पीछे यहाँ से बस स्टैंड है, वहाँ पे चलेंगे हम, यार इसकी सुन लो पहले, देखेंगे कि कपर जैसे लेंगे हम खुद के लिए। हाँ, मुझे पता था ये कुछ लेगा नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट करवाया इसने। लेट्स गो, आगे चलते हैं। पहनने वाली चीजें, आज मार्केट बंद होगी तो हम कल दोबारा आएंगे, लेकिन सामान तो लेना ही है। ये यहाँ से मार्केट के लिए रास्ता है, और ये काफी बड़ी मार्केट है, अप्रोक्स 1 और 2 किलोमीटर की। फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, ऊपर हमें कुछ खास लगा नहीं, मार्केट आज बंद है टोटली, तो हम नीचे जा रहे हैं। मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है मार्केट में ब्लॉग करने का, आज वैसे भी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी 3 शॉप जो मैंने देखी जहां मुझे सामान लेना था वो बंद है। सुमित जी, हाँ, क्या ये निर्णय सही है, संडे दिन मार्केट बंद होनी चाहिए? हाँ बंद होनी चाहिए, क्योंकि बंद हो गया, बंद कर ही नहीं था। पिछले आधे घंटे से हम मार्केट में घूम रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट बंद है, तो सामान मिल नहीं पाया यार, और धूप लग रही है। क्या चाहते थे हम? नहीं, वो नहीं बताएंगे, रिवील नहीं करेंगे। तो इनको हम अपना चैनल बता दें, ऐसे करवा के 2-4 लाख अंकित ब्लॉग्स, ठीक है, सर्च कर सकते हो। ओके, तो आप बता सकते हैं कि लड़का फॉलो कर रहा है चैनल को, बन रहा ब्लॉगर का पता लग जाता है। बहुत ही ज्यादा धूल। एक मुख्य सूचना हम आप लोगों को देना चाहेंगे, ब्लॉग हम एंड करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अब हम कंटिन्यू, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लेकिन हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे एक दिन छोड़ के, ठीक है, डन है। पहले हम 10-15 वीडियो डाल के देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट, देन इम्प्रूव। हेलो गाइस, बर्गर खा लो। मैं की दी यारी ते
घर ने दस मान यारा।